14 तरीक की वारदात है कि मेरी भतीजी लगती है। ए 14 तरीक रात को करीब कोई 8:30 बजे घरों गया भाई, ठीक है। घर के बैक साइड से खेत है, खेत मान लो कि बाथरूम करने कुड़ी गई है, उदों की कुड़ी गैब हुई है। तो अज मेरे साथ कोई 18-19 दिन हो गया ये वारदात हुए थे। कल पिंड की एक जनानी गई कमान साइड पट्ठे वटन गई है, जो कुड़ी उधरों आई है उन्हें डेड बॉडी देखी है, क्योंकि कुत्तिया ने पुटी हुई थी। जिदा वो गई उन्हें पिंड आकर रौला पाया, पिंड आकर जो रौला पाया पिंड के सारे लोग उत्थे पुजे और जाके वेख्या कपड़े कुपड़े कुड़ी दे हुई, ठीक है। कुड़ी पछाण कितने कि साड़ी घर की कुड़ी है। जो ये गए बाकी सारे जने गए जाकर फिर पुलिस को किया फोन, जो पुलिस के मौके से हाजिर हो गया, SSP साहब आए हैं, होर पिंड के मोहत सरपंच साहब सारे आ गए, तो डेड बॉडी अं क्ढ़ी उतों। तो जितों तक देख के लगता कि कुड़ी ने दुष्कर्म होया कि 5-7 बंदे ने दुष्कर्म किया, वाल फिर जाके उन्होंने मार के तो कुड़ी जमीन गड़ती है। उदो बाद हूँ अं पुलिस को बस यही चीज़ चाहते हैं कि सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए, तो जेडे बंदे दे दोषी आ उन्होंने वो तो वह सज़ा दी जाए। कल इन्होंने फिर सानू ये गल दसी है आ गए, तो इस तरह वो लाश जी कमाद के खेतों चु मिली है। असं उस वे मौके पर पहुँच के SSP साहब भी आए हैं, होर सा बाकी भी सीनियर अफसर आए हैं, पोस्टमार्टम क्योंकि लाश गली सड़ी हुई है, इस वे कुछ नहीं कहा जा सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो बाद ही ए बारे कोई गल जी है वो स्पष्ट तौर पर कही जा सकती है, क्योंकि लाश काफ़ी दिनों तो दबी हुई है मिट्टी के गली सड़ी हुई है, ये बारे स्पष्ट कहना इस वे कोई। फिर की कार्रवाई की कर रहे अभी? मुकदमा दर्ज करता 302-201, 148, 149।